हाथरस में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का स्वागत करने पर बसपा ने कड़ी कार्रवाई की है। हाथरस के 3 पदाधिकारी और अलीगढ़ के 1 कार्यकर्ता को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आगरा जोन कोऑर्डिनेटर को भी सभी पदों से हटा दिया गया है। रविवार को बसपा मंडलीय कार्यालय कालिंदी बिहार में आगरा अलीगढ़ जोन की बैठक हुई। बैठक में जोन प्रभारी मुमकाद अली सुनील चित्तौड़ ने बसपा मुखिया के आदेश पर हाथरस के मंडल जोन इंचार्ज लल्ला बाबू, जिला महासचिव जेपी सागर और जिला प्रभारी डॉक्टर आरसी गोला को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उन्होंने हाथरस में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का स्वागत किया था। आगरा के जोन कोऑर्डिनेटर हेमंत प्रताप सिंह को बसपा मुखिया के निर्देश का पालन न करने पर सभी पदों से हटा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य द्वारा आगरा अलीगढ़ मंडल में बसपा के मूल वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए किए जा रहे स्वागत समारोह पर नजर रखने के लिए कहा है। ऐसे कार्यक्रम में बसपा कार्यकर्ताओं के शामिल होने पर पार्टी से निष्कासित करने की चेतावनी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूज नेटवर्क।